स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास टेंथ के हिंदी के 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ में दिखाने वाला हूं। इसमें मैं आपको अराउंड 13 से 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाऊँगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएँ हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो रोजाना मिलते रहेंगे। तो चलिए हम प्रश्न और आंसर अपने शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 2 नंबर का, यह क्यों कहा गया है कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं उसकी भावना का है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। पहले का आंसर है कस्बे वालों का मूर्ति लगाना उनकी देशभक्ति को दर्शाता है, शहीदों के प्रति उनके आदर सम्मान को दर्शाता है, देश के प्रति उनकी देशभक्ति को दर्शाता है। ठीक है, तो नेताजी के चश्मे पाठ के चश्मे में यही बताया गया है कि महत्व मूर्ति के रंग रूप का नहीं होता ना, बल्कि भावनाओं का होता है जो लोगों के द्वारा मूर्ति लगाई गई है उसके लिए। दूसरा प्रश्न, कहानी की दृष्टि से लखनवी अंदाज में आपको क्या विशेषता दिखाई देती है। तो जैसा कि मैं आपको हिंदी के हर वीडियो में एक होमवर्क देता हूं, तो इसका भी आपको होमवर्क यही है कि आप इसका एक उत्तर जो है वो खुद लिखें और हमें कमेंट करें, या तो आप खुद ही लिख लीजिए। अगर आप कमेंट कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं देख लूँगा, और आपको अगर सही होगा तो मैं लाइक कर दूँगा, और ज़्यादा ही सही होगा तो हार्ट भी कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी के पिता उन्हें किससे दूर रखना चाहते थे और क्यों रखना चाहते थे। मन्नू भंडारी के पिता उन्हें किससे दूर रखना चाहते थे और क्यों रखना चाहते थे। तो देखिए, मन्नू भंडारी के पिता उन्हें किससे दूर रखना चाहते थे, रसोई घर से दूर रखना चाहते थे। दूसरा पॉइंट है, उनके अनुसार रसोई घर में सारी प्रतिभाएं, योग्यताएं भट्टी में जलकर नष्ट हो जाती हैं। यानी कि मन्नू भंडारी के जो पिता हैं उनका ये विश्वास था कि जो भी मन्नू भंडारी में जो योग्यताएँ जो प्रतिभाएँ हैं, अगर वो रसोई घर में जाती है तो उसके सारी जो प्रतिभाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिस्मिल्ला खान जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे और क्यों, इससे उनकी किस विशेषता का पता चलता है। तो चलिए देखिए, बिस्मिल्ला खान जीवन भर ईश्वर से क्या मांगते रहे, वो उनसे एक सच्चा सुर मांगते रहे। सच्चा सुर यानी कैसा सुर, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्ला खान जीवन भर ईश्वर से सच्चा सुर मांगते रहे, कैसा सुर, देखिए उनका सुर इतना प्रभावशाली हो कि सीधे लोगों को दिल को छू जाए। यानी कि अगर वो गाना गाएं तो उनका जो गाना है वो लोगों के दिलों को छू जाए, बहुत पसंद आए, ऐसा चाहते थे। भारत रत्न मिलने के बाद भी उन्हें लगता था कि सुरों को अभी भी बेहतर बनाया जा सकता है, यानी कि जो वो गाना गाते हैं, जो सुर हैं उनके, उन्हें अभी भी और बेहतर बनाया जा सकता है। इससे उनकी विनम्रता, सरलता, निराभिमान और उनकी विशेषता का पता चलता है। ये जो पूरा प्रश्न है उसका आंसर ये है कि उनकी विशेषता का क्या हमें पता चलता है, तो विशेषताओं का है कि वो विनम्र हैं, वो सरलता है, मतलब वो सरलता का मार्ग उपयोग करते हैं, निराभिमान है यानी कि उनमें कोई अभिमान नहीं है। ठीक है, ओके, ये समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में लेखक ने लिखा है, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। देखिए, मानवीय करुणा चमक या मानवीय करुणा की दिव्य चमक ही आपका एक पार्ट है, जिसमें लिखा गया कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा है, तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पार्ट में ये इस तरह से लिखा है, स्याही फैलाना, उनकी मृत्यु पर, यानी कि जो लेखक है उनकी मृत्यु पर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि लोगों को गिनने के प्रयास करना या नाम लिखना व्यर्थ व स्याही फैलाने के जैसा हो गया। यानी कि उनकी भीड़ पर, उनकी मौत पर इतने लोग आए, इतने ज़्यादा व्यक्ति उन्हें देखने के लिए आए कि उन्हें गिनना या फिर उनका नाम लिखना व्यर्थ होगा यानी कि स्याही फैलाना होगा, यानी कि ये फालतू का काम होगा। ठीक है, तो ये तो हुए अभी हमारे 5 प्रश्न, अभी आगे हम और देखेंगे अपने 8-9 प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न आप एक बार देख लीजिए, ये है आपके इसके आंसर। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न है हमारे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पॉइंट मैंने लिए हुए हैं, बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक
रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों को प्रहार किया गया है? तो इसमें सबसे पहला है, अंतिम संस्कार का अधिकार केवल पुरुषों को ही होना चाहिए, सबसे पहला ये। दूसरा, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन ना होना चाहिए। तीसरा, मृत्यु पर शोक मनाना। तो देखिए, बाल गोविंद भगत पाठ में ये बताया गया कि अंतिम संस्कार का जो अधिकार है वो पुरुषों को होना चाहिए, और विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं होना चाहिए, और मृत्यु पर शोक मनाना चाहिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, महावीर प्रसाद द्विवेदी शिक्षा प्रणाली में संशोधन की बात क्यों करते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी शिक्षा प्रणाली में संशोधन की बात क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है कि उनके अनुसार जो शिक्षा प्रणाली है वो दोषपूर्ण है, और इस शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती है। वो चाहते हैं कि इसमें स्त्रियों को शिक्षा दी जाए। हालांकि ये मैंने केवल आपका दो सेंटेंस में लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसे 3 से 4 लाइनों में लिखना होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा, काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्ला खां एक दूसरे के पूरक हैं, कथन का क्या आशय है? यानी कि देखिए, काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्ला खां एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा क्यों है? तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। देखिए, बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्ला खां दोनों ही काशी की विशिष्ट पहचान और गंगा जमुनी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। गंगा जमुनी संस्कृति के दोनों एक ही संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। यह पंक्ति काशी में धार्मिक सद्भावना, आपसी भाईचारे की भावना को प्रकट करती है। ये बेसिकली आपकी सद्भावना लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सद्भावना आपसी भाईचारे की भावना को प्रकट करती है। इसीलिए बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्ला खां दोनों ही काशी के एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं बताइए। तो ये प्रश्न मैं दोस्तों आपको ये दूसरी बार बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत की मैंने 2 नहीं 3 नहीं 5 6 विशेषताएं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला, ये गृहस्थ होते हुए भी जीवन, यानी कि ये अपना जीवन घर में बिताते थे। दूसरा, सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं लगाते थे और संतोषी प्रवृत्ति के थे, यानी कि इनमें संतोष था और ये सांसारिक वस्तुओं जैसे बाहरी दिखावे को नहीं मानते थे, और ये नियम के पक्के थे। कबीर पंथी को कबीर साहब मानना, उनके गीत गाना, यानी कबीर पंथी को कबीर साहब मानना और उनके गीत को गाना, झूठ नहीं बोलना और झगड़ा नहीं करना। तो बाल गोविंद भगत की ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उनकी विशेषताएं हैं जीवन की, वो मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मन्नू भंडारी और उनके पिता के बीच मतभेद के 2 कारण बताइए। एक तो मन्नू भंडारी हैं और एक उनके पिता हैं, इनके बीच में क्या मतभेद चल रहे हैं? 2 मतभेद आपको बताने हैं। तो देखिए, 2 मतभेद मैं आपको बताता हूँ। पहला मतभेद है, मन्नू भंडारी के पिता क्रोधी और अहंकारी स्वभाव के थे, जबकि मन्नू भंडारी जो है वो काफ़ी संभावनाशील थी, हृदयशील थी। दूसरा, अपनी पसंद इच्छा से विवाह करना, यानी कि मन्नू भंडारी के जो पिता थे वो अपनी पसंद और इच्छा से विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन जो मन्नू भंडारी थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा जा रहा है, कैप्टन कौन था जो चश्मे बेचता था? कैप्टन कौन था? वह मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल दिया करता था? चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। तो देखिए, कैप्टन चश्मे बेचता था, और वह नेताजी और देश के प्रेम के कारण ऐसा काम करता था, और वह ग्राहक द्वारा मूर्ति पर लगा चश्मे मांगे जाने के कारण वह मूर्ति के चश्मे को बदल देता था। अब जैसे ये मूर्ति है नेताजी की, अगर आप देखेंगे इस पर यह चश्मा लगा हुआ है, तो आप भी यही कहेंगे काश ये चश्मा मुझे मिल जाए। तो जो कैप्टन था वो इस चश्मे को उतार के किसको देता था? ग्राहक को। ठीक है, तो इसलिए नेताजी का चश्मा वो बार बार उसे बदलना पड़ता था। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमसे पूछा गया, फादर बुल्के को हिंदी के बारे में क्या चिंता सता रही थी? यानी कि फादर बुल्के को हिंदी भाषा के बारे में ऐसी कौन सी चिंता थी जो उससे सता रही थी? तो इसका सबसे 2 कारण है वो ये है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता सता रही थी, और दूसरा, हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा से चिंता, यानी कि जो हिंदी लोग थे वो खुद हिंदी भाषा की उपेक्षा ना करें इससे उन्हें चिंता लगी थी। ठीक है,
यह हुआ हमारा 7वां क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि खीरा काटने में नवाब साहब की विशेषता का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए, यानी कि जो नवाब साहब हैं जब वो खीरा काटते हैं तो उनकी विशेषता का हमें चित्रण अपने शब्दों में करना है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा, नवाब साहब जब खीरा काटते हैं तो खीरा को सबसे पहले धोते हैं, फिर उससे पोंछते हैं और सिरे काट कर गोद कर झाग निकालते हैं। जैसे हम घिसते हैं एक साइड से काट के, उस तरह से फांके काटना यानी कि उसे छीलते हैं, तौलिए पर सजाना जब उसे काट लेते हैं छोटे छोटे पीस में गोल गोल करके, फिर उसे तौलिए पर सजाते हैं, जीरा मिला नमक मिर्च बुनाकर बुरकाना आदि। यानी कि जब वो उसे सजा लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उस पर नमक मिर्च बुरका देते हैं, जिससे क्या होता है वह खीरे का जो स्वाद है वो और भी अच्छा बन जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि क्लास 10th की हिंदी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। मैं एक स्क्रॉल करके एक बार आपको दोबारा से सभी प्रश्न दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस तरह से ले लीजिए। ठीक है, और आगे के जो 5 प्रश्न वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि और भी आगे अच्छा कॉन्टेंट आने वाला है आप सभी के लिए। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।